नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है और आप लोग देख रहे हैं बॉर्न क्रेजी। दोस्तों, कार्तिक आर्यन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अक्षय कुमार से उनकी फिल्में छीन रहे हैं या दो कदम आगे चल रहे हैं? क्या कार्तिक आर्यन खुद को अक्षय कुमार समझने लगे हैं कि क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कार्तिक आर्यन ने दो चीज़ें कर दी है। एक तो भूल भुलैया 2 उन्होंने की, जो अक्षय कुमार ने पहले की थी, और भूल भुलैया 2 इतनी चल गई कि कार्तिक आर्यन का जो इमेज है मार्केट में वो सुधर सा गया। अफकोर्स करण जौहर ने इमेज गिराने की पूरी कोशिश की थी कार्तिक आर्यन के, लेकिन जाको राके साई है ना, मार सके ना कोई। मतलब कहने का मतलब ये है, जिसके पीछे भगवान का हाथ है या उसकी मेहनत उसके साथ है, उसे कोई पछाड़ नहीं सकता है। और यहाँ पे कल एक खबर आई है दोस्तों, खबर पता है क्या है? कल ये खबर आई है कि किसी ने परीक्षावल से पूछ लिया कि क्या हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन होंगे। सोशल मीडिया पर पूछा और कार्तिक आर्यन के बारे में उन्होंने कहा परीक्षा रावल ने कि हाँ, कंफर्म है हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन होंगे। और आज एक बहुत बड़ी वेबसाइट ने ये ऑफिशियली दावा कर दिया है कि हेरा फेरी 3 में राजू, यानी कि हमारे अक्षय कुमार का जो रोल है राजू, वो किरदार निभाएंगे कार्तिक आर्यन। अब ये खबर से कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड में टेंशन होगी और स्पेशली अक्षय कुमार फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे, क्योंकि 2022 जून में फिरोज नायर वाला ने ये कहा था कि हेरा फेरी 3 बनेगी तो ओरिजिनल स्टार कास्ट के साथ बनेगी, यानी कि अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश रावल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्या कार्तिक आर्यन ने पत्ता काट दिया है अक्षय कुमार का, तो ये हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि इस फिल्म में दो राजू होंगे, कार्तिक आर्यन भी और एक अक्षय कुमार भी, ये हो सकता है। एक और बड़ी बात, डायरेक्टर के लिए अनीस बाजमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही है, जिन्होंने भूलभुलैया 2 बनाई थी, बड़ी हिट बनाई थी। तो अनीस बाजमी शायद आ सकते हैं, और अनीस बाजमी अगर नहीं आते तो दूसरे जो डायरेक्टर और बड़े डायरेक्टर का जो विकल्प सामने आ रहा है वो है फरहाद सामजी। मैं खुद चाहता हूँ फरहाद सामजी तक फिल्म ना जाए, लेकिन जो भी चीज़ें हो रही है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हो रही है। यानी कि एक चीज़ तो साफ है, हेरा फेरी 3 बन के रहेगी जल्द से जल्द, चाहे वो कार्तिक आर्यन के साथ बने या फिर अक्षय कुमार के साथ, लेकिन वो जल्द से जल्द बनेगी। लेकिन हाँ, इस खबर से ये ज़रूर डर फैल रहा है कि क्या कार्तिक आर्यन ने सही में अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है। आज क्या रहा है भाई, ये भी खबर आ रही है कि अक्षय कुमार को हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट ज़रा भी नहीं अच्छी लगी। मतलब अक्षय कुमार को हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट शायद ज़रा भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए अक्षय कुमार ने अभी तक साइन नहीं किया है। मीटिंग उनकी हुई है फ्यूज नाइटिफाइल से, ये बात पता चली, लेकिन अभी तक साइन नहीं किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बाय।